जो सबसे ज्यादा रुलाता है, कोई नहीं रुलाता मुझे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने बेडरूम के बालकनी से। देखिए धूप, देखिए एक मिनट, ये देखिए धूप, देखिए नीचे। पुणे में मैं कह सकती हूँ कि समर्स आ चुके हैं, अच्छी खासी गर्मी हो गई है और मेरा वेस्ट फेसिंग घर है तो बिल्कुल सुबह सुबह ही सूर्य देवता अपने रोशनी फैलाना शुरू कर देते हैं मेरे घर के अंदर। आज सुबह मैंने ना एक जनरली रोज सुबह ही दिख जाता है मुझे जिस दिन अनन्या का स्कूल होता है, क्योंकि सनराइज अराउंड 6:45 के अराउंड होता है और अनन्या क्योंकि 7 o'clock स्कूल के लिए निकल जाती है तो मैं उठ जाती हूँ 5:30 के अराउंड। तो आज तो अनन्या की छुट्टी थी फिर भी मेरी नींद खुल गई, तो जैसे मैं ड्राइंग रूम में गई तो मुझे इतना सुंदर सनराइज देखने को मिला। मैं जनरली रोज ही देखती हूँ पर मैं सोचा आज कैप्चर करते हैं उसको और आपको दिखाते हैं सुंदर सा अपने घर से सनराइज होता हुआ। आप मैं किसी हिल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है मुझे, हाँ घर से ही इतना अच्छा सनराइज देखने को मिलता है। आप ये व्यू एंजॉय करके आइए, फिर मैं आगे बताती हूँ आज के दिन का क्या क्या होने वाला है। कैसा लगा आपको हमारा घर से उगता हुआ सन? मीन हमको ना रोज दिखता है ये सनराइज, इतना सुंदर लगता है, पूरा स्काई बिल्कुल ऑरेंज कलर हो जाता है ना, हिंदी में अगर बोलें बिल्कुल लालिमा आ जाती है स्काई में, एक तो बहुत सुंदर लगता है उस टाइम पे चाय पीना, यू नो एक कप लेके और कर्टन्स हटा के पूरे घर के सोफे से वो व्यू दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। तो आज का अभी का अपडेट ये है कि हमारा नाश्ता हो गया है और लेकिन अनन्या का नाश्ता अभी भी चल रहा है। अनन्या खाना खाने में बहुत टाइम लगाती है ना अनन्या, खाना खाने में बहुत टाइम लगाती है ना उसको बहुत टाइम लगता है खाना खाने में, बचपन से ही। अभी भी उसको आज मैंने ब्रेड सैंडविच बनाया था क्योंकि दोपहर को मैं थोड़ा हैवी बनाने वाली हूँ खाना, तो ये देखो अभी इसका अभी तक बचा हुआ है, अभी शक्ल नहीं दिखाई गया, है ना। और सुभाष भी आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सुभाष आउट, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। सुभाष को मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि वो क्रिकेट खेलने गए थे तो उनके एल्बो पे चोट लग गई थी, तो अभी कल सुभाष फिर से खेल के आए हैं तो कल की निशानी है ये। तो सुभाष के शोल्डर टूटा, घुटना टूटा, टूटा नहीं मतलब शोल्डर, सब बॉडी तोड़ देंगे, सब बॉडी तोड़ देंगे पापा। जब तक क्रिकेट मैच खत्म होगा पापा के हर बॉडी में निशाने होंगी, हर मैच के साथ एक निशान लेके आते हैं और हड्डी भी टूट जाएगी, ऐसा नहीं बोलते मेरी। तो सुभाष का चल रहा है वर्क फ्रॉम होम क्योंकि सुभाष की एक्चुअली थोड़ी तबीयत खराब नहीं बोलूंगी मैं, अनन्या को कफ एंड कोल्ड था तो वो तो अनन्या का तो ठीक हो गया है, अभी सुभाष को कफ एंड कोल्ड हो गया है तो सुभाष ने आज वर्क फ्रॉम होम लिया है। क्योंकि एक्चुअली आजकल माहौल ऐसा चल रहा है कि जैसा आपको सबको पता होगा तो बेटर है कि टेस्ट वेस्ट करवा लो, नॉर्मल सर्दी जुकाम है फिर भी एक बार उनका जाके चेक करवा लो बेटर है। तो सुभाष को आज हॉस्पिटल जाना है तो इसीलिए सुभाष आज घर से काम कर रहे हैं। अनन्या के, हाँ आप सब ने पूछा था मुझे कि अनन्या की तबीयत कैसी है, उसके ब्लड टेस्ट वगैरह हुए थे कैसा रहा है, सो थैंक यू सो मच आप सबको कि आप सब को इतना कंसर्न है हमारे लिए, तो बड़ा अच्छा फील होता है ये यू नो पढ़ के ये देख के कि ये छोटी सी फैमिली ही है हमारी लेकिन फिर भी इतना कंसर्न है आपको। तो अनन्या के रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स सारे नॉर्मल हैं, उसका जो एडेनॉइड का टेस्ट था वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है उसमें, एडेनॉइड में कोई इशू नहीं है, बस उसका एक इसका एक ईयर टेस्ट रह गया है, क्या नाम था ईयर टेस्ट का, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री टेस्ट रह गया है उसका, तो वो आज हम शाम को जाके करवा लेंगे तो पता लग जाएगा कि कान में कुछ इशू है क्या। तो वो टेस्ट से एक्चुअली अगर उसमें कुछ आता है रिपोर्ट तो उसमें डॉक्टर ने बोला एक माइक्रोस्कोपिक ट्यूब होता है छोटा सा वो कान में लगा देंगे ताकि एयर फ्लो बना रहे और ईयर ड्रम पे प्रेशर ना आए,
और अगर वो नॉर्मल रहेगा फिर तो शायद कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तो फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे तो पता लगेगा। तो अनन्या इज एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू एवरीवन। तो आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको किचन में दिखाती हूँ कि आज मैंने कल मैंने ग्रॉसरी ऑर्डर किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं महीने के मंथली मेरा ग्रॉसरी जो होता है वो क्या क्या होता है। तो चलो हाँ बाबू देखो देखो भैया अनन्या क्या दिखा रही है, क्या है ये? मामा की न्यू डायरी। मम्मा की न्यू डायरी, ये एक्चुअली सुभाष की डायरी है। मैंने दिया था सुभाष की डायरी है, मैंने मान लिया है। वो एक्चुअली थोड़ा सा मुझे ज़्यादा डायरी वायरी की आदत नहीं है, मैं डायरी वायरी में लिखना ज़्यादा पसंद भी नहीं करती हूँ, पर अभी आजकल यूट्यूब के इतने सारे वीडियोज़ हो गए हैं, इतने सारे आइडियाज़ आते रहते हैं तो दिमाग में सब कुछ रहता नहीं है, तो मैं सोचा चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं और लिखते हैं इसमें। बड़ा सुंदर सा है वैसे ये, अब इन्होंने दिखाई दिया है तो ये देखिए क्यूट सा है ना। इसमें ये पेन भी है, ये शायद वो है ना रिसाइकल्ड पेपर है ना, है ना सुभाष रिसाइकल्ड पेपर है ना। ऐसा पेन, ये भी पेपर का बना हुआ है, सारे रिसाइकल। हाँ फोकस नहीं हो रहा, और ये पेपर्स भी सारे रिसाइकल्ड ही हैं, रिसाइकल्ड पेपर के बने हुए हैं सारे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरा जो ग्रॉसरी का सामान है वो मैं महीने के स्टार्टिंग में ही मंगा लेती हूँ, और मैं बिग बास्केट से मंगाती हूँ। मुझे हो गया है 2 साल के करीब बिग बास्केट से सामान मंगाते हुए, और इनकी सर्विस बहुत मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स तो एक तो अच्छे रहते ही हैं, ऊपर से अगर कुछ भी इशू आता है तो उनका रिटर्न और रिफंड का जो है सर्विस वो काफ़ी अच्छा है। तो महीने के 1st से 10th तक इनके अच्छे अच्छे ऑफर्स रहते हैं, तो उसी टाइम पर मैं सारा ऑलमोस्ट सारा ग्रॉसरी ले लेती हूँ, और बाकी जो है बीच बीच में जो सामान ख़त्म होता है वो तो फिर कहीं से भी देख लेते हैं छोटा मोटा। तो मेन जो सामान है घर का, चावल आटा दाल तेल, बड़े बड़े जो सामान है वो मैं बिग बास्केट से ही मंगाती हूँ। ऑनलाइन होने का फ़ायदा ये है कि डिस्काउंट नंबर 1, नंबर 2 घर में बैठे बैठे सामान मिल जाता है, आपको जाना नहीं पड़ता, किसी भी दुकान में जाओ, शॉप में जाओ, बिग बाजार वगैरह में छुट्टी के दिन जाओ तो इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे, और ऑफर्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। इनफैक्ट बिग बास्केट में मुझे ज़्यादा अच्छा ही मिलता है। ये कोई पेड रिव्यू वाला वो वीडियो नहीं है, मैं बिग बास्केट से मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं बोलने के, इट्स जस्ट दैट कि क्योंकि मुझे इसकी सर्विस बहुत अच्छी लगती है तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम बच जाता है ना, डीमार्ट वगैरह में अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं लेकिन भीड़ बहुत रहती है वहाँ पे, आप सामान लेते हो फिर बिलिंग के लिए खड़े होते हो, तो उसमें क्या है आपके आराम से 3-4 घंटा आधा दिन चला जाता है, और यहाँ पे देखो घर में बैठी मेरे को सब मिल गया विद डिस्काउंट। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान ऑर्डर करती हूँ, जनरली ग्रॉसरी में मुझे क्या क्या लगता है। ये मैंने सारा सामान आज मंगाया था बिग बास्केट से, मैंने ये सेट करके रखा है कि मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने क्या क्या सामान ऑर्डर करा है। तो मैं शुरू करती हूँ चावल से, चावल मैं मंगवाती हूँ ये दावत बिरयानी बासमती वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्रेन। ये चावल हम जनरली यूज़ करते हैं अगर बिरयानी बनाते हैं या फिर पुलाव वगैरह बनाते हैं उसके लिए। ये है दावत का ही सुपर बासमती फ्लफी लॉन्ग ग्रेन्स, ये मैं जनरली यूज़ करती हूँ इडली वगैरह बनाने के लिए। दाल मेरे पास ऑलमोस्ट काफ़ी सारे थे तो मैंने मंगाए हैं ये मसूर दाल, ये 24 मंत्रा ऑर्गेनिक। खाने में मैंने ऑलमोस्ट जो सारे पल्सेस और वेजिटेबल्स हरी सब्जियां मैंने ऑर्गेनिक मंगाने शुरू कर दिए हैं, तो मोस्टली मेरे सारे सामान ऑर्गेनिक ही होते हैं। छोले मेरे ख़त्म हो गए थे तो ये भी है बीबी रॉयल ऑर्गेनिक, ये बीबी रॉयल है आपका बिग बास्केट का अपना, बिग बास्केट का अपना खुद का ब्रांड है बीबी रॉयल। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट्स में है ये कार्मिक के, मुझे इसके कार्मिक कंपनी के ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। ये है पिस्ताचियो, कार्मिक का ही कैश्यू और उसी का बादाम, कैलिफोर्नियन आमंड्स, और ड्राई फ्रूट्स में है ये बीबी रॉयल का ऑर्गेनिक वॉलनट। नेक्स्ट है मेरे पास्ता मेरा बहुत बनता है क्योंकि अनन्या को पास्ता बहुत पसंद है और बहुत इजीली बन जाता है वाइट सॉस वगैरह में, तो ये मैं 2 तरह के पास्ता मंगाए हैं, एक तो फुसिली है, फुसिली मतलब जो ये स्पाइरल शेप में होते हैं, ये है बॉर्जेस का, और एक और पास्ता है मेरे पास ये वाला, ये है पास्ता आपका एल्बो वाले जो एल्बो शेप के हैं, और ये मैंने मंगाया है वाइकफील्ड का। नेक्स्ट है ओट्स मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है चीला बनाने में, ओट्स पॉरिज बनाने में या फिर मसाला ओट्स बनाने में,
तो मैं हमेशा क्वेकर का ही ओट्स यूज़ करती हूँ और ये बड़ा पैकेट मंगा लेती हूँ। चीनी, चीनी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मैं चीनी बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, बिल्कुल ही यूज़ नहीं करती। मैं गुड़ का पाउडर यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी केक बनाने में या फिर कुछ बनाने में काम आता है तो मैं ये वाला ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। ये भी बीबी रॉयल बिग बास्केट वाला ही ब्रांड है, ऑर्गेनिक शुगर, ब्राउन शुगर। नेक्स्ट है बेसन, ये है वापस से 24 मंत्रा ऑर्गेनिक बेसन। फिर है ये नफीस, नफीस के टोस्ट। टोस्ट बहुत सारे कंपनी के रस्क हमने खाए हैं, लेकिन नफीस का मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये बिल्कुल मतलब चाय में जाके ऐसे गल के गिर नहीं जाता। मिल्कमेड का ट्राई किया है मैंने, ब्रिटानिया का ट्राई किया है और काफ़ी सारे ट्राई किए हैं ब्रांड्स, तो मुझे नफीस का ही बेस्ट लगता है। पुणे में अवेलेबल है, मुझे बाकी सिटीज़ का पता नहीं है। ये तो ये मैं भी महीने के 3 या 4 लग जाते हैं, तो ये 3 पैकेट्स हैं उसके। फिर है तेल, तेल मैं जनरली जो है सरसों का यूज़ करती हूँ, ये वाला फॉर्चून का कच्ची घनी सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। लेकिन जैसे तलने में, पूरियां तलने में, कुछ तलने वलने में काम आता है, चाहिए होता है उसके लिए तेल, तो उसके लिए मैं ये फॉर्चून का राइस ब्रान ऑयल यूज़ करती हूँ। सनफ्लावर ऑयल वगैरह मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, समहाउ मुझे वो हेल्दी नहीं लगते हैं। आई थिंक राइस ब्रान गिवन एन ऑप्शन कंपेरिजन में थोड़ा बेटर है। ये हो गया लाइजॉल बाथरूम के लिए। ये है आटा, 5 किलो का आटा, और ये भी बिग बास्केट का ही ऑर्गेनिक आटा है, बीबी रॉयल का ऑर्गेनिक आटा। नेक्स्ट आते हैं बिस्किट्स। नहीं, ये बिस्किट्स अनन्या नहीं खाती, ये हमारे लिए है। ये है न्यूट्री चॉइस का क्रैकर, ये मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे बहुत। नेक्स्ट है ये न्यूट्री चॉइस के डाइजेस्टिव बिस्किट, यही बिस्किट मैं 4-5 पैकेट्स मंगा लेती हूँ तो ये चल जाता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है चाय, चाय मैं बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि चाय का ऐसा है कि टेस्ट डेवलप हो जाता है एक ही चाय में, तो उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद वो बोर हो जाता है। तो पहले मैं यूज़ कर रही थी टाटा का, अभी मैंने 1-2 महीने से यूज़ करना शुरू किया है ये ताजमहल का, तो ताजमहल टी। नेक्स्ट है लिक्विड हैंड वॉश, बॉर्नविटा, नहीं बॉर्नविटा भी अनन्या बिल्कुल नहीं खाती है, वो प्लेन दूध पीती है। ये भी है उसके मम्मी पापा के लिए। हमारे घर में जो है बच्चा बड़ों की तरह बिहेव करता है और बड़े बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। ओके, जोक्स अपार्ट। ओके, नेक्स्ट है ये वैसलीन क्रीम, मैं जनरली बायोटिक का यूज़ करती हूँ। ये मुझे वैसलीन का दिखा तो ये मैंने वैसलीन का ऑर्डर किया, इस बार अच्छा लग रहा था मुझे उसका पैकिंग थोड़ा। नेक्स्ट है साबुन, साबुन है ये मेडिमिक्स साबुन, मैं 3-4 तरह के मंगा लेती हूँ वही सेम, ताकि बोर ना हो जाए स्मेल से। मेडिमिक्स, मार्गो नीम वाला, ये है माइसोर सैंडल सोप, ये बड़ा अच्छा सा इसकी खुशबू है, बिल्कुल फ्रूटी फ्रूटी सी, लेरल की बेरी ब्लास्ट। ये है हिमालया का आमंड एंड रोज सोप। नेक्स्ट है ये खादी नेचुरल सैंडलवुड सोप, और ये सुभाष का फेवरेट पार्क एवेन्यू। फिर है ये वेट वाइप्स, वेट वाइप्स मैंने बहुत ब्रांड के ट्राई किए हैं, लेकिन मुझे ये बिग बास्केट का वेट वाइप बहुत पसंद है, क्योंकि इसके साइज भी बड़े रहते हैं और ये काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्ट रहते हैं, मतलब काफ़ी गीला रहता है, ड्राई ड्राई नहीं होता ये, और हाथों को भी वो क्लीन करने के बाद हाथ ड्राई ड्राई फील नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ये बहुत कम यूज़ होता है एक्चुअली, रिन का जो रिन बार है, ये सर्फ या फिर रिन में से कोई एक मैं मंगाती हूँ, ये जो बार होते हैं जनरली मशीन में कपड़े धुलते हैं तो पाउडर ही होता है, और पाउडर मेरा इस बार था तो मैंने मंगाया नहीं है, मैं जनरली सर्फ का पाउडर यूज़ करती हूँ। ये है बादाम ऑयल, ये मैं बादाम ऑयल यूज़ करती हूँ अनन्या के लिए, उसको मैं क्रीम वगैरह नहीं लगाती, उसके बालों में या तो ऑलिव ऑयल और या तो ये बादाम ऑयल, बॉडी में तो बादाम ऑयल ही यूज़ करती हूँ मैं उसके लिए। नेक्स्ट है हेयर ऑयल पैराशूट, ये हमारे लिए हेयर ऑयल। विम लिक्विड, ये बड़ा यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा खारा पानी है, तो जो विम है वो ज़्यादा यूज़ होता है बर्तनों में, तो ये मैं बड़ा पैकेट ही डब्बा ही ले आती हूँ, तो ये पूरा महीना चल जाता है। डेटॉल आई थिंक मैंने आपको दिखा दिया है, हैंड वॉश का रिफिल पैक, और ये है डोमेक्स, डोमेक्स के
दो पैकेट्स, दो डब्बे मैक्स, और ये विथ ग्रीन फॉर्मूला जो है ये वाला, ये बेस्ट लगता है मुझे, क्योंकि जनरली हार्पिक वगैरह में क्या होता है, आपको डालने के बाद ब्रश से आपको थोड़ा घिसना पड़ता है, लेकिन ये डोमेक्स का ऐसा है कि आप इसको लगा के आधे घंटे तक छोड़ दो, उसके बाद आप फ्लश कर दोगे तो आपको उसको ब्रश से साफ करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका जो टॉयलेट है, जो कमोड है, वो काफ़ी क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे ये है गार्बेज बैग्स, गार्बेज बैग्स हैं आपके डस्टबिन के लाइनर्स। तो ये थे मेरे इस महीने का ग्रॉसरी हॉल। ऐसा नहीं है कि मैं चिप्स वगैरह सब कुछ नहीं खाती हूँ, खाती हूँ, लेकिन मैं ग्रॉसरी में ये सामान कभी नहीं मंगवाती, आपके चिप्स हो गए या फिर ऐसे ना मंचिंग वाले सामान हो गए, तो ये मैं नहीं मंगाती हूँ ग्रॉसरी में, क्योंकि वो फिर आप ऑर्डर करते टाइम काफ़ी ऑर्डर कर लेते हो, और घर में होता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ना खाओ, तो मैं ये हेल्दी आइटम ही मंगा के रखती हूँ। और कभी कभार मन करता है चिप्स खाने का, तो छोटा पैकेट जाके लेके आ जाते हैं, तो तब क्या होता है आपको बोर होता है कि जाके लेके आना पड़ेगा, छोड़ो नहीं खाते ना, ये आता है एक रेडीली अवेलेबल आपके पास नहीं हो, वेफर्स वगैरह तो आप नहीं खाते हो जनरली उतना ज़्यादा, तो ये एक मेरा स्टेप है मेरे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। दूसरा, मैं ऑर्गेनिक सामान पे आ गई हूँ, मोस्ट ऑफ द सामान जो भी मुझे ऑर्गेनिक मिल जाता है मैं वो ऑर्गेनिक ही लेती हूँ, नहीं मिलता है तो उस महीने के लिए शायद दूसरा लेती हूँ, अगले महीने मिल जाता है तो ऑर्गेनिक ही लेती हूँ, तो कम्प्लीटली मैं ऑर्गेनिक पे ही आने का कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश इनटू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अनहेल्दी चीजों में बस एक चीज है जो मैं अवॉइड नहीं कर पाती, वो है सबका फेवरेट 2 मिनट मैगी। मैं ज्यादा नहीं मंगाती, ये भी अनन्या भी आ गई यहाँ पे, अनन्या ज्यादा नहीं मंगाती मैं, ये सिर्फ 3-4 मंगा लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी खाना, इतना तो चलता है यार, है ना। तो अभी चलो शुरू करते हैं बाकी सब काम में, इन सामान को मैं फटाफट रख देती हूँ, हमारे किचन में वरना काम करने की देखो जगह ही नहीं है, कहाँ पे काम करूँ मैं। तो लंच में भी मैं बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस, और उसकी मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल सा है येट बहुत ही यमी बनता है, तो मैं आपको प्रोसीजर दिखाती हूँ कि इसके लिए क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने ये मसाला पीसा है, इसमें मैंने डाला है अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता और लौंग और काली मिर्च और थोड़ा सा साबुत जीरा, और इसको एक साथ मैंने पीस लिया है। नेक्स्ट मैं डालूंगी इसमें दही, थोड़ा सा सरसों का तेल, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम ढक देंगे और इसको आधे घंटे तक रेस्ट होने देंगे। मैंने ये चावल वॉश कर लिए हैं पानी से, अभी मैं इस चावल को भिगो के छोड़ दूंगी 15-20 मिनट के लिए। प्याज को हम लंबा लंबा पतला पतला काट लेंगे इसे, और ये प्याज एक ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा रुलाता है, कोई नहीं रुलाता मुझे, मेरी हालत देखो, बहुत बर्न होते हैं मेरे आईज। मैं थोड़ी सी सब्जियां भी काट रही हूँ, बीन्स और ये कैप्सिकम वगैरह है मेरे पास, आप ये एक्सक्लूड भी कर सकते हो, मैं जनरली प्याज के साथ ही बनाती हूँ सिर्फ, लेकिन ये सब्जियां मेरे पास पड़ी हुई थी तो ये सूख ना जाए तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं चाइनीज फ्राइड राइस नहीं बना रही हूँ, अगर चाइनीज फ्राइड राइस होता तो उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल सकते थे, विनेगर और सोया सॉस डालते हैं, तो वो मैं कभी और दिखाऊंगी आपको। आज मैं टिपिकल इंडियन फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो इसमें आप ये जो भी सब्जियां हैं वो डाल भी सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। सुभाष निकल रहे हैं अभी हॉस्पिटल के लिए, बाय तो बोल दो, बाय बाय बाय, आते हुए सैनिटाइजर ले आना। यस okay. Yes, और अगर मास्क का जरूरत होगा तो मास्क भी नहीं आना। नहीं, मास्क का जरूरत नहीं है। और कुछ? एक्चुअली सैनिटाइजर इतना मुश्किल हो गया है मिलना, सैनिटाइजर की काफी कमी हो गई है मार्केट में, इट्स बेटर टू बी यू नो टू बी सेफ। यस देन बी सॉरी, एक्चुअली पुणे में ऐसा कुछ केस अभी तक आया नहीं है, बट फिर भी आपने सिर्फ मधुमक्खी आ गया तो मतलब ऐसा मतलब प्रॉपर हेल्थ मेंटेन के लिए भी, हाइजीन के लिए भी हैंड वॉश करना प्रॉपर, और आउचो 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 इन गुजराती, आश्चर्य इन बंगाली, कमिंग इन इंग्लिश। चलो चलो, बाय 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 बाय।
बाय। और जर्मन आज सुभाष ने बहुत सारी भाषाएं सिखा दी। मैं कह रही थी कि इट्स बेटर टू बी सेफ, तो प्लीज़ थोड़ा आप भी ध्यान रखिए, हाथों को फेस पे बिल्कुल मत लगाइए, अपने हाथ जब भी पॉसिबल हो वॉश करिए और सैनिटाइजर यूज़ करिए कहीं बाहर जाते हैं तो। ये हमारे घर में एक छोटा सा गेस्ट आया, दिखा दी। आ गया, चला गया, हो रहा कहाँ है, चला गया ना, ये रहा। कहाँ गया, काली वाली मधुमक्खी है क्या है? मुझे पता, काली सी होती है, छोटी सी, ये कुछ नहीं काटती वाटती नहीं है, घर में घुसती है और फिर पता नहीं घर ढूंढती है, होल्स ढूंढती है छोटे छोटे घर के अंदर वॉल्स पे। बचपन में भी हमारे घर में बहुत ऐसी, मुझे याद है मेरा भाई था, वो उसको बुलाता था मधुमक्खी, उससे बोला नहीं जाता था तो वो बोलता था मक्खू माखी, तो मुझे वो याद है इंस्टेंस। सरसों का तेल और इसमें डाली मैं चावल के लिए, चावल मैंने 1.5 ग्लास चावल लिया है तो मैं उसमें डालूंगी ऑलमोस्ट 2 ग्लास पानी, 1-2। अब इस चावल में मैं डालूंगी साबुत जीरा, पिसा हुआ जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा हल्का सा घी, काली मिर्च का पाउडर, 2-3 इलायची। अब एक बार और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे फिर इसको हल्का सा ढक लेंगे। चिकन का तेल गरम हो चुका है, ज़्यादा हो गया तो मैंने बंद कर दिया उसको, ऑन कर लेते हैं, बिल्कुल गरम है। इसमें डालूंगी मैं तेज पत्ता, थोड़ा दालचीनी, जीरा, अब इसमें डालूंगी मैं प्याज, अभी देखिए मेरा चावल का जो है वो पानी उबलने लगा है तो मैं इसको आधा ढकूंगी, बिल्कुल गैस को कम कर दूंगी और इसको आधा ढक्कन लगा के ऐसे छोड़ दूंगी। अब ये 10 या 12 मिनट तक ऐसे ही रहेगा जब तक ये चावल खिले खिले हो जाएंगे। अनन्या क्या कर रही है? अनन्या मैं से छोड़ दो, जरूर मैं आना, क्या कर लिया, क्या खेल रहे हो? टायो। टायो कहाँ है टायो? ये रहा टायो। ये टायो है, ये तो पापा के चश्मे का डब्बा है। नहीं ये टायो है और ये है गानी। गानी हाँ, टायो का फ्रेंड। अच्छा ओके खेलो। और ये आना का पिल्लो तो नहीं दिखाया आपने, पेप्पा, आना के पेप्पा पिग, क्या कर्टन्स? यस, अन्या के कर्टन्स। क्या ये कर्टन्स में? टूथ फेरीज नॉर्मल फेरी। चलो खेलो आप, मेरा प्याज जल जाएगा। नमक मैं ऑलरेडी चिकन में और राइस में डाल चुकी हूँ, उसमें थोड़ा कम डालूंगी। कैसे पता लगेगा कि आपका चावल पक चुका है? आप उसमें नाइफ डालिए और ऐसे चेक करिए, इसमें देखिए कोई पानी नहीं आया है, इसका मतलब इसका पानी सूख गया है और आपका चावल इज डन। मेरा चावल बन गया है, मेरा मसाला फ्राई हो गया है, ये देखिए ऐसा। तो इसमें मैं ये चिकन डाल दूंगी। अगर आप नॉनवेज नहीं है और आप चिकन वगैरह नहीं खाते हैं तो आप इसमें चिकन की जगह आप पनीर यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल अच्छा टेस्ट देगा आपको, तो हो जाएगा पनीर फ्राइड राइस। तो मेरा चिकन बन चुका है, इसने देखिए तेल छोड़ना शुरू कर दिया है ना, बिल्कुल खड़े खड़े। अब मैं चावल इसमें डाल दूँगी। लूँगा थोड़ा छोटा पड़ गया तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी बड़ी कढ़ाई में, इसको बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये हो गया है, इसमें मैं अनन्या के निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी मिर्ची, धनिया पत्ता और मिर्ची डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दूंगी। तो हो गया मेरा चिकन फ्राइड राइस रेडी। आज जस्ट अभी आए हैं हॉस्पिटल से, अभी बज रहे हैं 2, तो अभी हम लंच करेंगे, तो इन द मीनवाइल मैंने अनन्या को दे दिया है। और अनन्या एक मिनट दिखाती हूँ आपको, ये रही अनन्या। अना ये क्या है? आई एम सॉरी पिक्चर। तो ये आप किस लिए यूज़ करते हो? अगर मैंने कोई गलती की तो। तो आप ये फेस दिखा देते हो ना? तो अनन्या को मैंने, मम्मा फिर भी डांटती है। हाँ तो मम्मा तो डांटेगी, मम्मा का काम ही डांटना। तो अनन्या अभी
को दे दिया मैंने ऑलरेडी खाना, फिर सुभाष आएंगे तो हम खाएंगे। ये देखो मम्मा चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी? बिरयानी नहीं है वो, फ्राइड राइस है। तो ये अरण्या ने ये आज जो सुबह बना रखा है ये वाला सॉरी वाला फेस, और जब भी वो कुछ गलती करती है तो वो सॉरी नहीं बोलती है, वो अपने ऊपर ये फेस ऐसे देखो ऐसे लगा के सामने खड़ी हो जाती है तो वैसी हंसी आ जाती है। तो अच्छा तरीका है ना, बार बार इतनी गलतियां करो तो बार बार कितना सॉरी बोलो, बस ये लगा लो मुंह के आगे, बस खत्म सी आविष्कार अभी से। चलिए एनीवेज, तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ये चिकन फ्राइड राइस एक बार ट्राई करके देखिए, बिल्कुल शॉर्टकट बिरयानी कह सकते हो आप इसको, बहुत टेस्टी। हाँ अगर आप नॉनवेज नहीं हो तो जैसा अरण्या बोल रही है आप पनीर खा सकते हो, पनीर डाल के बना सकते हो। तो सी यू टिल आर नेक्स्ट व्लॉग, हैव अ नाइस डे, बाय। और हाँ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।